जुबान का बड़ा महत्व होता है। उसमें अगर आपका चेहरा सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हो तो और भी ज्यादा। लेकिन ये बात यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह को शायद समझ नहीं आती है। तभी तो जब देखो तब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। इस बार का उनका ताजा बयान ना केवल उनके संवेदनहीन रवैये को दिखाने वाला है, बल्कि ये भी बता रहा है कि सत्ता के नशे में चूर दयाशंकर सिंह इंसान को शायद इंसान नहीं समझते। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी के समय में पहले भी थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है। जरा सुनिए मंत्री जी को, इनके गृह जिले बलिया में 24 घंटे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और मंत्री जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। शायद यूपी के मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, कायदे से जमीन से उठकर सियासत के शिखर पर पहुंचने वाले ऐसे नेताओं से संवेदना की अपेक्षा ज्यादा होती है। लेकिन शायद दयाशंकर सिंह को लखनऊ यूनिवर्सिटी के संघर्षों वाले दिन भूल गए और मंत्री बनकर एसी की ऐसी आदत पड़ी है कि अब जनता का दुख दर्द उन्हें नहीं दिखता। एक बार फिर सुनिए दयाशंकर सिंह का बयान। पहले का भी है तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये गर्मी के मौसम में आप बुजुर्ग आप देख रहे होंगे, उसमें कोई 70 साल 60 साल से ऊपर के लोग ही हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है दयाशंकर सिंह, लेकिन ज्ञान ऐसे बघार रहे हैं जैसे बड़े वाले स्वास्थ्य विशेषज्ञ यही है। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि ये पीड़ित के घर वालों से मिलते, डॉक्टरों की क्लास लेते, अधिकारियों को इंतजाम ना करने के लिए फटकार लगाते, मगर नहीं, इन्हें तो बस अपनी टीआरपी से मतलब है। उल्टा पुल्टा बोला और बोलकर निकल लिए। एक बार फिर सुनिए मंत्री महोदय को, शायद इनका दिल सत्ता के नशे में पत्थर हो चुका है। तो ये जनरली होता है और उसकी पूरी हम लोग रोकथाम के लिए जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था, जिला अस्पताल पर सभी हमारे दो ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, ये वही नेताजी हैं जो 7 साल पहले भी सुर्खियों में आए थे जब मायावती पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। फिर बहन जी और उनके समर्थकों ने ऐसी रेल बनाई थी कि आखिरकार माफी मांगनी पड़ी थी। अब एक बार फिर दयाशंकर सिंह का ये बयान उनकी मुश्किलें बढ़ाएगा नहीं, ये तो तय नहीं, मगर ये तय हो चुका है कि कुर्सी के अहंकार में मंत्री महोदय चूर हो चुके हैं। उन्हें ना तो सीएम योगी के उस आदेश का अनुपालन कराने की फिक्र है जिसमें कहा गया था कि जून महीने से पहले सभी अस्पतालों में बिजली पानी समेत दवाओं तक की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, मगर शायद मंत्री महोदय को लखनऊ ज्यादा रास आ रहा है, इसलिए क्षेत्र की जनता जिए या मरे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। काश मंत्री जी 2 महीने पहले आप जाग गए होते और कम से कम प्रदेश नहीं तो अपने ही जिले की व्यवस्था को जांच लिया होता तो शायद बलिया के जिला अस्पताल में यूं मातम का माहौल न होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।